हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और सुबह सुबह उठ गया हूँ मैं, और उठने के बाद जो नज़ारा है आपको रात में दिखाई नहीं दे रहा होगा, सो मैं अभी दिखाता हूँ कि क्या नज़ारा है सुबह का। हम लोगों का जो स्थिति हुआ है बहुत खतरनाक हुआ है, सो ऐसा हो जाएगा सोचा नहीं था। और पूरा सामान बिखरा हुआ है, रात को आपको दिखा नहीं हुआ क्योंकि अंधेरा था, लाइट नहीं थी और लाइट अभी भी नहीं आई है। और जो बंदा था अभी भी नहीं आया है, वो कब आएगा पता नहीं। तो अभी सुबह सुबह हो गया और ऑफिस भी जाना है, तो मैं तो रेडी हो गया हूँ। जस्ट ऐसे ही मुंह हाथ धो के अच्छे से फ्रेश भी नहीं हुआ हूँ, नहाया भी नहीं मैं। सो देखते हैं अभी क्या होता है, फ़ोन करेंगे उसको तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है, किस तरह का नज़ारा है सुबह सुबह। सो गाइस, ये देख सकते हो पूरा इधर काम किया हुआ है इलेक्ट्रिक का, और ये पूरा का पूरा सामान जो है, ये कचरा जो है इधर बिखरा हुआ है, और हमारा सामान इधर है, इधर है, ऐसे ही पड़ा हुआ था। देख, ये देखो वॉशरूम का हालत देखो, ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये देखो, ये किचन है, पूरा गंदा पड़ा हुआ है, इधर भी पूरा गंदा पड़ा हुआ है। हमने एक लाइट लगाया था इसके अंदर कि अगर जलेगा, हम लोगों ने रात को ट्राई किया था तो जलेगा तो मालूम पड़ेगा, बट जला नहीं, तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया। इधर भी सामान है पूरा बिखरा पड़ा है, देख सकते हो पूरा सामान इधर भी है, इधर भी है, इधर शूज वगैरह चप्पल वगैरह है, इस तरह का है। और ये देखो बाहर का नज़ारा, बाहर में काम चल रहा है अभी। तो ये है नज़ारा, और रात भर हम लोग जगे हैं, सोए तो नहीं, मच्छर बहुत काट रहा था, मोर्टिन जलाने के बाद ही मच्छर काट रहा था, और गर्मी भी लग रही थी, फ़ैन वन नहीं था, सब ऐसे ही है, जस्ट लगाना है फ़ैन, इसमें लाइट रहेगा तो ही लगेगा, इलेक्ट्रिक नहीं है, देख सकते हो। तो ये हमारा नया वाला फ्लैट है, नया वाला घर है, जहाँ पे हम लोग अभी शिफ्ट हुए हैं, जो कि इस तरह से दिख रहा है आपको। और इधर भी काम चल रहा था, इधर भी लगाना है। तो अभी सबसे पहला काम रहेगा लाइट इसको ठीक करवाना और साफ सफाई करवाना इसका, तो देखते हैं कैसे होता है, उसको कॉल करेंगे हम लोग अभी। सो गाइस, इधर एक बालकनी है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट ऐसे ही बैठे हुए थे और रात भर और बातें हो रही थी, और ये जस्ट इसको डाल के ऐसे ही इसी के ऊपर बैठे हुए थे हम लोग। सो ये है नज़ारा, और ये बाहर का नज़ारा है इस तरह से। तो अभी ऑफिस का टाइम हो गया है और अभी हम निकलने वाले हैं। सो गाइस, देख लिया आपने, इस तरह का नज़ारा है हमारे फ्लैट का, और पूरा कचरा हुआ है, गंदा हुआ है, क्योंकि इसमें जो काम हुआ है इलेक्ट्रिक का, तो उसको तोड़ तोड़ के इन लोगों ने सारे ऐसे बिखरे हुआ है, क्योंकि वो था नहीं तो उसको किसको बोलने सफाई करने के लिए। तो आज आएगा, उसने बोला है ऐसा, बट इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आएगा ही, तो अगर आता है तो मैं उसको सफाई कराने के लिए बोलूँगा। और सबसे पहले इलेक्ट्रिक का जुगाड़ करें, इलेक्ट्रिक नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इसके अंदर, और उसके बाद देखेंगे क्या करना है। सो फिलहाल मैं हो गया हूँ रेडी ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि ऑफिस तो जाना ही है, आज मंडे है, तो मैं रेडी हो गया हूँ और जाऊँगा यहाँ से, स्टेशन पास में ही है, और स्टेशन से फिर ऑफिस। तो मैंने कुछ हम लोग ने नाश्ता वास्ता कुछ भी नहीं किया, रात को भी खाना वाना बाहर ही खाए थे हम लोग, और अभी सुबह सुबह के टाइम है तो नाश्ता का कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि उस साइड से अभी ढंग से कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, बाकी देखते हैं कैसा होगा क्या होगा, सब मैनेज करना पड़ेगा, या तो टाइम निकाल के हमको आना पड़ेगा सेकेंड हाफ में, या फिर जो भी है उसको देखेंगे, मैनेज करना पड़ेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा, बस उसको आ जाना चाहिए आज, अदरवाइज बोले आज भी नहीं है बाबा कल आऊँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर वैसा ही रहेगा सिस्टम, तो उसको आना चाहिए आज, देखते हैं जो भी होता है। सो गाइस, मैं निकल गया हूँ अभी, और सीढ़ी से नीचे जाना पड़ता है क्योंकि लिफ्ट इसका चालू नहीं है, लिफ्ट बन रहा है। सो गाइस, ये है लिफ्ट जो कि अभी बना नहीं है, अभी बनेगा, कब बनेगा पता नहीं। और ये सीढ़ी है, सीढ़ी से जाना पड़ेगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा आपको। और हम लोग रहते हैं 6 फ्लोर पे, मतलब छठे फ्लोर पर रहते हैं,
तो आप सोच सकते हो कि चढ़ना कितना टफ है। सो गाइस, मैं आ गया हूँ बाहर और सीढ़ी से ऊपर नीचे करना पड़ेगा क्योंकि लिफ्ट नहीं है और लिफ्ट बनने में कम से कम 6 महीने लगेगा। तो अभी जा रहा हूँ स्टेशन और वहाँ से एक ही स्टेशन जाना है, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है ऑफिस का, यहाँ से सिर्फ एक स्टेशन जाना है, उसके बाद फिर वहाँ से पैदल। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ स्टेशन और अभी मेरी ट्रेन भी आ गई है, तो अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से। ये देखो कितनी भीड़ है, जगह नहीं चढ़ने के लिए। ये वाली ट्रेन मैंने छोड़ दिया, बहुत भीड़ था इसके अंदर, चढ़ने के लिए जगह नहीं था, इसके लिए मैंने ये ट्रेन छोड़ दिया। अभी दूसरी वाली आएगी उस पर जाऊँगा। दोस्तों, मैंने पहले ट्रेन छोड़ दिया क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, उसमें जा नहीं पाया, तो दूसरी वाली ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, अभी वो आएगी 5-10 मिनट में, तो उससे जाऊँगा मैं। सो गाइस, मैं स्टेशन से उतर के दूसरी ट्रेन पकड़ के आ चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ पैदल। यहाँ से लगेगा कम से कम 20 मिनट, तो देखता हूँ ऑटो भी पकड़ सकता हूँ या पैदल भी चला जाऊँगा, कोई इशू नहीं है। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ वापस और अभी जा रहा हूँ फ़ोन चार्ज करने के लिए दूसरे रूम में, क्योंकि कल जो आपने देखा था स्थिति, लाइट नहीं थी और जैसा था साफ सफाई नहीं था, सब कुछ सेम अभी भी वही हाल है, कुछ भी चेंज नहीं है। क्योंकि जो बंदा बोला था कि कल आ जाऊंगा, कल आके सब ठीक करा दूंगा, वो आज भी नहीं आया और पूरा दिन फ़ोन नहीं उठाया। शाम को एक बार उठाया था, उसके बाद फिर शाम को बोला कि मैं आज भी नहीं आ पाऊँगा, कल आऊँगा, तो वो बोला है कल आऊँगा। तो आज कुछ भी नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ, पूरा दिन ऑफिस में था मैं, शाम को आया हूँ और जैसे कि तैसे है, वैसे ही सामान पड़ा है, वैसे ही लाइट नहीं है और पूरा कचरा भरा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। और फ़ोन चार्ज करने के लिए मुझे दूसरे रूम में अभी जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर लाइट है, हमारे यहाँ नहीं है। सो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो अभी भी स्थिति वही है, सेम है, कुछ चेंज हुआ नहीं, पर मुझे पता था ये होने वाला था। सो गाइस, दिखाता हूँ मैं आपको अंदर का स्थिति, ये देखो अभी भी सामान पड़ा हुआ है आज भी, और इधर सामान पूरा पड़ा हुआ है, अभी भी वही हाल है, लाइट नहीं है और ये पूरा जो भी कचरा है ऐसे ही पड़ा हुआ है, इधर भी कचरा है ऐसे ही पड़ा हुआ है, सामान ऐसे ही, इधर भी सामान है पूरा भरा हुआ है और कुछ नहीं है, लाइट नहीं है, पानी सिर्फ टॉयलेट के अंदर आ रहा है और इसके अंदर आ रहा है, लेकिन अंदर देखो पूरा जो तोड़ फोड़ किया है ना प्लम्बिंग वाला, उसका ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसा है। तो अभी हम लोग कुछ कर नहीं सकते आज दिन में, क्योंकि दिन में आप ऑफिस में रहोगे, ड्यूटी पे रहोगे, तो शाम को कुछ आने के बाद कोई मिलता नहीं जल्दी, तो ऑफिस जाना भी ज़रूरी था, इसके लिए मैं सोचा था जल्दी आ जाऊँगा बट आ नहीं पाया क्योंकि काम में फंस गया। सो ये है स्थिति, आप देख सकते हो आज भी वही हाल है, कल भी वही हाल था और आज उसने बोला है कि कल आऊँगा, आज नहीं आ पाऊँगा। और जब उसको मैंने बोला कि फ़ोन क्यों उठा रहा था, तो बोल रहा है कि फ़ोन, मैं शादी में फंस गया हूँ इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा था, मैं कल आऊँगा। सो ये है स्थिति, इधर सोच वोच पड़ा हुआ है और लाइट नहीं है। सो दोस्तों, ये था स्थिति, आपको दिखाया मैंने, और कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ सेम वैसे ही पड़ा हुआ है, उसने बोला है कल आऊँगा, क्या पता कल भी ना आए, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। सो फिलहाल मैं जा रहा हूँ फ़ोन चार्ज करने के लिए क्योंकि चार्ज नहीं है और रात में चार्जिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं चार्ज कर लेता हूँ जो भी थोड़ा बहुत होगा, और देखते हैं। दूसरे रूम में इंडिकेटर तो जल रहा है बट सॉकेट के अंदर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसकी गारंटी नहीं है, तो मैं देखता हूँ चार्ज होगा तो कर लेंगे। चलो चेक करते हैं, देखते हैं सप्लाई आ रहा है क्या सॉकेट के अंदर, इंडिकेटर तो जल रहा है, तो इसमें इंडिकेटर में लाइट तो आ रहा है बट इसके अंदर सप्लाई आ रहा है कि नहीं उसका पता नहीं, तो मैं चेक कर लेता हूँ लगा के, देखते हैं चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी तक तो दिखा नहीं, एक सेकंड, हाँ चार्जिंग तो हो रही है। सो दोस्तों, चार्जिंग का तो चलो जुगाड़ हो गया, चार्ज हो रहा है यहाँ से, और इस रूम में
बल्ब नहीं है बिल्कुल, सिर्फ होल्डर लगा है और इंडिकेटर जल रहा था, इसके लिए मुझे लगा कि इसमें सप्लाई आ रहा है तो चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ से चार्ज हो जाएगा। चार्जिंग का इशू थोड़ा सॉल्व हो गया है। बाकी अपने रूम में उधर जब हमारे जो फ्लैट है, हमारे फ्लैट में लाइट नहीं है और उधर किचन के अंदर भी पानी नहीं आ रहा है, सिर्फ टॉयलेट और वॉशरूम के अंदर आ रहा है। सो ये स्थिति है। चलो मैं चार्ज कर लेता हूँ जितना हो सके। खाना खाने के लिए भी बाहर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी ढूंढना पड़ता है इधर, क्योंकि नया एरिया है तो मालूम नहीं पड़ता है। कल तो हम लोगों ने बहुत मुश्किल से ढूंढा, तो एक रेस्टोरेंट मिला, वहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया और बट थोड़ा मज़ा नहीं आया खाया के वहाँ पे, क्योंकि खाना सही नहीं मिला। तो आज देखते हैं कहीं और ढूंढना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, आज का ब्लॉग। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कल का जो स्थिति था आज भी सेम है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। तो अभी देखते हैं कल क्या होता है, कल कुछ बदलाव होता है या नहीं होता है। मुझे तो नहीं लगता कि कल भी होने वाला है। सो लेट्स सी, उम्मीद करते हैं कल कुछ ठीक हो जाए। बट आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और गुड नाइट। और वीडियो चलाकर भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।